मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में हो रहा है घोटाला। हर घर नल का जल योजना पानी के बदले बांट रही है मौत। हर घर नल का जल योजना में पानी के बदले बुजुर्ग को मिली मौत। रोहतास में पहले दिन ही ध्वस्त हो गया जल नल योजना का ढांचा। ढांचे के नीचे खड़े होकर पानी भरता देख रहा था 60 साल का बुजुर्ग। गिरते ढांचे की चपेट में आकर 60 साल के बुजुर्ग की गई जान। गिरते ढांचे की चपेट में आकर 3 युवक हुए बुरी तरह से जख्मी। क्या बिहार में पानी के बदले मौत बांट रही है नीतीश सरकार? हर घर नल जल योजना की खामियों पर क्यों चुप है सरकार? गांव के लोग मृतक के परिवार के लिए मांग रहे हैं इंसाफ। सरकार क्या हादसे की तकनीक पहलुओं की करवाएगी जांच? क्या दूसरी जगहों पर भी हो सकती है ऐसी ही दुर्घटना? जल नल योजना के ढांचे से दूरी बनाकर रखें बिहार के लोग। क्या नीतीश सरकार दोषियों को दे पाएगी सख्त सजा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल नल योजना का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते हैं, लेकिन जमीन पर आए दिन इस योजना की खामी सामने आ ही जाती है। लेकिन इस बार तो नीतीश बाबू की इस योजना ने एक बुजुर्ग की जान ही ले ली। जी हाँ, पानी के बदले बिहार में अब सरकार मौत बांट रही है। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के रामनगर गांव में ऐसा ही एक खौफनाक मामला सामने आया है। गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी के लिए ढांचा खड़ा किया गया था। जैसे ही टंकी में पानी भरा गया, वैसे ही पूरा ढांचा धड़ाम से गिर गया। जब ढांचा गिरा तो उसकी चपेट में आकर 60 साल के एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टंकी के ढांचे के गिरने की वजह से गांव के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को PHC नोखा में इलाज के लिए लाया गया है। अचानक हुए इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मृतक की पत्नी लखनी देवी ने बताया कि पंचायत में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी लगाई गई थी। पहली बार टंकी में पानी भरा जा रहा था और कड़ेलाल वाटर हेड के नीचे बैठकर सारी गतिविधि को देख रहे थे। तभी टंकी में पानी भरते ही पूरा ढांचा भर भरा कर गिर गया और 60 साल के कड़ेलाल उसी में दब गए। घटना स्थल पर ही कड़ेलाल की मौत हो गई। टंकी ठहल बा कैसे चढ़ा ऊपर पानी भरत रहन जाए और नीचे घूमत रहन वही में ना रे चालू करे देखत रहन जा वही में देखत रहन जा। आज पहला बार टंकी चालू हां ए भैया। वहीं नल जल योजना का ढांचा गिरने से गांव के 3 युवक भी जख्मी हो गए। तीनों युवक ढांचे पर चढ़कर पानी भरता हुआ देख रहे थे, लेकिन अचानक ढांचे के गिरने से नीतीश, रंजन और मिस्टर कुमार जख्मी हो गए। अभी तीनों लोगों का PHC में इलाज चल रहा है। पानी वाला टंकी भर रहा था, इसके बाद तो टूट गया। अच्छा, हम लोग गिर गए अंदर। कोई मेंबर लोग हमें एक आदमी कड़ेलाल सिंह मर गए। के का नाम उनका है? कड़ेलाल। कड़ेलाल है। आज तार का नाम पड़ी धनंजय कुमार। क्या नाम दो जने के? मनीष नीतीश। रुक जाइए। वहीं जिला पार्षद रवि शंकर सिंह ने बताया कि नल जल योजना के तहत पहले दिन ही ढांचे के गिरने से यह हादसा हुआ। उन्होंने इस घटना को लेकर अपना रंजो गम जाहिर किया। घोसिया पंचायत के घोसिया गांव में रामनगर जो कि ये घटना घटी नल जल के, सबसे पहले हम कहेंगे कि नल जल की जांच हो। जो कि यहाँ मृत्यु एक मृत्यु हुआ और 3 लोग घायल हुए। कैसे हुआ? ये गांव के लोग कह रहे हैं कि पहली बार नल जल के पानी आज भरा जा रहा है। ये आज ही की घटना और आज ही की पानी और आज ही की घटना हो रही है। बिहार में नल जल योजना अब पानी के बदले मौत बांट रही है। स्वाभाविक है कि इस दुर्घटना के बाद गांव के लोग गुस्से में हैं। वहीं ग्रामीणों की नाराजगी को देखकर गांव में पुलिस की तैनाती की गई है। कम से कम सरकार और जिला प्रशासन को इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। एक्सपर्ट इंजीनियर से भी घटना की जांच करवानी चाहिए ताकि इस हादसे की वजह का पता चल सके और आने वाले वक्त में कहीं और इस तरह की दुर्घटना होने से पहले रोका जाए। वैसे इस दुर्घटना से नल जल योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि नल के बिना भी लोग गांव में जी नहीं रहे हैं।
उम्मीद तो यही है कि सरकार लीपापोती करने के बजाय दोषियों की पहचान कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।